पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री हम लोग होता है जो बच्चों का हम लोग इलाज करते हैं, जैसे बच्चा 0 ईयर्स टू 18 ईयर्स हम लोग काउंट करते हैं वो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में आता है। जो पेशेंट हमारे 0 ईयर्स मतलब न्यू बॉर्न होते हैं बच्चे, न्यू बॉर्न टू 18 ईयर्स के एज तक हम लोग पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में उसको लेते हैं पेशेंट्स को। चाइल्ड जो फर्स्ट चाइल्ड हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जब फर्स्ट टूथ इरप्ट होते हैं तब आपको फर्स्ट डेंटिस्ट से आपको विजिट करना चाहिए। दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द 6 मंथ टू 1 ईयर या 12 मंथ्स, जब आपके फर्स्ट दांत आपके निकलते हैं तो आप अपने डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं उस टाइम, जब क्योंकि वो बहुत ही ग्रोइंग फेज होता है। आपके जॉ डेवलप हो रहे हैं, आपके गम्स डेवलप हो रहे हैं, आपके बॉडी डेवलप्स हो रहे हैं, तो टूथ की डेवलपमेंट भी उसी टाइम हमारी स्टार्ट होती हैं। तो हम लोग टूथ डेवलपमेंट ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है ये जानने के लिए आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से विजिट करना चाहिए। दे आर सो मैनी कॉमन प्रॉब्लम्स दैट चिल्ड्रंस आर सेइंग दैट, मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनके जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं कि दांतों में कैविटी लगना, उनके दांत इरेगुलर होना, टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनके हो जाते हैं, या फिर दांत जल्दी टूट जाना, वक्त से पहले टूट जाना, या किसी के दांत टूटे नहीं हैं और नए दांत आ नहीं रहे हैं, नए दांत आने में टाइम लग रहा है। ये बहुत ही कॉमन इश्यूज है जो जनरली बच्चों में देखा जाता है। जैसे कि बच्चों के बहुत सारे दांत जैसे उसके टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो हम लोग जैसे वेट करते हैं 12 ईयर्स के एज तक, फिर हम लोग उसके ब्रेसेस लगा के दांत को सीधा करते हैं, स्ट्रेट करते हैं। कुछ बच्चों के जैसे कैविटी हो जाते हैं तो हम लोग उसको फुल राइट ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि बहुत कम एज के अगर बच्चे हैं 4 ईयर्स 5 ईयर्स और कैविटी स्टार्ट हो रहे हैं, तो वी स्टार्टेड फॉर फुल राइट ट्रीटमेंट, कि हम लोग फुल राइट सीलेंट करते हैं कि कैविटी वो स्प्रेड ना करे बच्चों में। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो बच्चों के 2 टाइम ब्रशिंग पर ध्यान दें, 2 टाइम ब्रश करवाएं या खुद से उनकी ब्रशेस करें, तो बच्चों के जो मुंह में प्लैक्स जम रहे हैं या स्टेन्स हो रहे हैं वो निकल जाते हैं। अगर बच्चों में कैविटी स्टार्ट्स हो गई है होना, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से विजिट करके उसको सीलेंट करा सकते हैं, कोई रिस्टोर कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं, दांतों में फिलिंग करवा सकते हैं बच्चों के।